आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक त्वार के गांव लालपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर है। इस गांव की कमान श्रीमती प्रवेश देवी के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांधा है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। चार वर्षों में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के गांव लालपुर में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया गया है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान प्रतिनिधि के पास। यहाँ पर प्रधान जो है आपकी भाभी है, 4 साल इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास आपने अब तक गाँव में करवा दिए? गांव में आरसीसी पड़े हैं, खंज पड़ी है जी, स्कूल का सौंदर्यकरण हुआ है जी, अम्बेडकर पार्क पे इंटरलॉकिंग हुई है, बराबर पे इंटरलॉकिंग हुई है, बाकी क्या करना है जो आवास वगैरह मिले हैं, नौ आवास भी मिले हैं, पेंशन वगैरह सब मिलती है। सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जो सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त में योजनाएं चलाई हैं या जिस भी तरह की सरकार योजना चलाती है, आपके गांव में क्या सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं? हाँ, सभी को मिला। किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा है सभी को मिला जी, लगभग ज्यादातर लोगों को मिला। सरकारी बिल्डिंग में आपके गाँव में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर मौजूद है, अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर पार्क भी है, शमशान घाट कब्रिस्तान, तो शमशान घाट के लिए कितना दूर यहाँ लोगों को जाना पड़ता है? 7 किलोमीटर गढ़ियाल जाना पड़ता है। गढ़ियाल जाना पड़ता है। क्या यहाँ ग्राम समाज की भूमि गांव में है? नहीं है, है नहीं। तो शमशान घाट के निर्माण के लिए आपने कभी मांगी थी? नहीं नहीं की है, इस बार की है। इस बार बन जाए जी, मतलब आपको उम्मीद है कि इस बचे हुए कार्यकाल में यहाँ पर शमशान घाट का निर्माण करवा दिया जाए। अपने गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सुंदर और विकसित बनाने, गरीबों को मकान मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों की जरूरत है लगभग 50-60। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, क्या कच्चे कच्ची सड़कें, कच्चा रास्ता भी सब एकदम बिल्कुल पक्का हो चुका है जी? क्या यहाँ पर कोई सांप्रदायिक विवाद आपकी ग्राम पंचायत में या कोई ऐसी समस्या मतलब महसूस होती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिले? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोई झगड़ा सांप्रदायिक नहीं है, सब है यहाँ गांव में बना हुआ है। दवाइयाँ वगैरह मुहैया हो जाती है लोगों को? हाँ हाँ, सब 2 महीने में 3 बार बैठते हैं, 3 बार बैठते हैं महीने में, मतलब 6 महीने में 3 बार बैठते हैं जी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार जो काम कर रही है, मोदी सरकार, योगी सरकार वाली जो काम कर रही है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अच्छे काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। सीसी का इस कार्य, आरसीसी, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गाँव ओडीएफ हो चुका है, लेकिन कुछ परिवार लगभग 50-60 परिवार आज भी यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। सड़कें लगभग यहाँ पूरी तरह से पक्की हो चुकी हैं और काफी साफ सफाई भी यहाँ देखने को मिल रही है, सफाई की व्यवस्था भी अच्छी खासी है, अम्बेडकर पार्क भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ केवल कुछ ही समस्याएं सामने आई हैं जिनसे लोग यहाँ जूझ रहे हैं, जैसे कि गरीबों को यहाँ आवास मिल जाए तो बेहतर है, और एक शमशान घाट की यहाँ पर बहुत ही मांग है, 7 किलोमीटर दूर यहाँ अंत्येष्टि स्थल के लिए लोगों को जाना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मेनाजरी टुडे 24 से जी। क्या नाम है आपका? जागन सिंह। जागन सिंह जी, ये बताइए, यहाँ पे 4 वर्ष हो गए प्रधान जी के कार्यकाल को, यहाँ पे विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? बिल्कुल, थोड़ा सा एक थोड़ी कमी है, वो हमारी वो डिब्बे हमारे जो थूक थूकते हैं वो यहाँ हमारे रख जाने चाहिए जी, और बाकी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सब काम बढ़िया हो गए। बढ़िया है। ये पे प्रांगण में जो टाइल्स वगैरह लगवाइए, ये बिल्कुल ओके, बढ़िया।